Hey friends, I'm Yamini. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. तो आज का जो वीडियो है वो होम रेमेडी के ऊपर होने वाला है और वो होम रेमेडी है डैंड्रफ के लिए. डैंड्रफ आई थिंक हम सबको प्रॉब्लम होता है और आई थिंक 70-80% लोगों को तो ये प्रॉब्लम होता ही है और उन 70-80% लोगों में से मैं भी हूँ जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है. तो मैं क्या अप्लाई करती हूँ, क्या होम रेमेडी अप्लाई करती हूँ डैंड्रफ को क्योर करने के लिए, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. और मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोज़ वाटर एलोवेरा जेल आपको विंटर्स में कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें एक सब्सक्राइबर ने मेरे मुझे कमेंट करके बताया कि उनको ये वीडियो बहुत पसंद आया और उनके लिए वो हेल्पफुल रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको तीन मेथड बताऊँगी कि कैसे आप अपने डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल तरीका है. तो सबसे पहले हेयर ऑयलिंग तो हम लोग करते ही हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी हेयर ऑयल है, जैसे मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, विंटर्स हो या समर्स हो, जब भी आप हेयर ऑयलिंग करो उसको हल्का सा आपको गर्म कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है 2 स्पून, उसको मैंने गर्म कर लिया है. तो यहाँ पे मैंने उसमें लेमन ऐड किया है. तो कोकोनट ऑयल तो आपको पता ही है ये हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है. उसमें हमने जो लेमन ऐड किया है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है हमारी स्कैल्प में जिससे डैंड्रफ हो जाते हैं उसको भी दूर करता है. हम वीकली वंस और ट्वाइस तो हेयर ऑयलिंग करते ही हैं, तो उसमें आपको बस अपना लेमन ऐड करना है. बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है ये, आप ये अप्लाई करके देखो, आपको फ़र्क नज़र आएगा. इसको आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है नहाने से आप 30 या 40 मिनट पहले आप लगा लो और उसके बाद आप हेड वॉश ले लो. सेकेंड मेथड के लिए मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है. बेकिंग सोडा में आपको ऐड करना है पानी को, इनको आप अच्छे से मिला लीजिए और इतना पेस्ट बनाइए कि वो आपके जो स्कैल्प में है उसमें अच्छे से लग पाए. बेकिंग सोडा जो होता है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मैं बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है देन वंस इन अ वाइल मैं इसको यूज़ करती हूँ. क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं. थर्ड जो मेथड है उसमें मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर. एप्पल साइडर विनेगर है और उसमें आपको ऐड करना है पानी को. इसका रेशो ये है कि आप जितना आप विनेगर लोगे उसका जस्ट डबल आपको पानी लेना है. यहाँ पे मैंने 4 स्पून अगर विनेगर लिया है तो उसमें मैंने ऐड किया है 8 स्पून वाटर को. विनेगर जो है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी हमारे स्कैल्प के जो पीएच लेवल है उसको बनाने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो विनेगर होता है वो हमारे बालों को भी शाइनी और स्मूथ रखने में हेल्प करता है. इसको आपको अच्छे से मिला लेना है और जब आप आफ्टर शैम्पू जब आप कंडीशनिंग करते हो ना उस टाइम पर आप इसको अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए और 2-3 मिनट इसको स्कैल्प में रखने के बाद आप अपना हेड वॉश कर लीजिए. अगर आपको कम डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसमें से कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इन तीनों को अप्लाई कर सकते हो. वीकली आप इन तीनों को अप्लाई कर सकते हो. पहले आप हेयर ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप स्क्रबिंग के लिए बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर शैम्पू आप विनेगर अप्लाई कर सकते हैं. विनेगर अप्लाई करने के बाद उसको बालों में नहीं छोड़ना है, उसको आप नॉर्मल वाटर से रिंस कर लीजिएगा. बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज़ हैं. मुझे ये तीनों मेथड काफ़ी हेल्प करते हैं डैंड्रफ को क्योर करने के लिए. इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी आप हेयर एक्सेसरीज़ आप यूज़ करते हैं, चाहे वो कोम हो, चाहे वो आपके रबर बैंड हो, चाहे वो आपके कुछ भी आपकी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, उनको आप वीकली आप अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा. क्योंकि अगर घर में कोई और, वैसे तो सबके कोम अलग होने चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में कोई और भी उस कोम को यूज़ करता है वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम उनको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. आई होप मैंने आपको जितनी भी आज होम रेमेडी बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको भी ये हेल्प करेगी अपने डैंड्रफ को क्योर करने के लिए. तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.